सो गाइस सबसे पहले ये कमेंट करके मुझे बताओ कि आप क्या ले रहे हो, साइंस ले रहे हो, कॉमर्स ले रहे हो, आर्ट्स ले रहे हो, क्या ले रहे हो, प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ। मुझे दिखेगा कि कौन सी पब्लिक किस तरह ज्यादा बढ़ रही है, तो प्लीज कमेंट के बरसात होने चाहिए। देखते हैं साइंस जीतता है, कॉमर्स जीतता है या आर्ट्स जीतते हैं, तो बड़ा बड़ कॉमेंट करो। अब भाई अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि 23 एंड 24 में जो 11th का एग्जाम है वो किस तरह से होने वाला है, उसमें कितने चैप्टर आने वाले हैं और कहाँ क्या बोर्ड एग्जाम की तरफ पूरा एक साथ आता है, ये सभी चीज का आंसर इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ। जो आपको पहले से ही पता रहेगा तो आपकी तैयारी पहले से ही बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको पता है ना भाई आगे जाके क्या होने वाला है, पूरे लास्ट वाले एग्जाम में पूरा आने वाला है, हाफ टर्म में कैसे आने वाला है, ये सभी चीजें आपको पता पहले से रहेगी तो आप तैयारी कर सकते हो। यार देखो अगर आप हर दिन का आपको पता रहना चाहिए मुझे कल क्या करना है, परसों क्या करना है, पता चला सुबह उठ रहे हो जो मर्जी कर रहे हो, बुक उठा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए गाइस। तो अगर मैं आपको बताऊं कि 11th में देखो कुछ कॉलेजेस को छोड़ के, कुछ कॉलेजेस रूल्स कुछ और रहता है पर वो करते कुछ और है, तो उनकी बात मैं नहीं करूंगा। बट अकॉर्डिंग टू रूल क्या होगा कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपका जो कॉलेज है वो जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा, जुलाई में स्टार्ट होने के बाद उसके एक महीने के बाद सभी का फर्स्ट यूटी होने वाला है, जिसका ऑलरेडी हमने पूरा चैप्टर साइंस एंड कॉमर्स का खत्म कर दिया, कॉमर्स वाला प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी पे, एंड साइंस वाला जो है वो गिरी टू पार्ट वन एंड प्रदीप गिरी 11th 12th एकेडमी जो हमारा दूसरा चैनल है उसमें पार्ट टू पूरा खत्म कर दिया गाइस। कॉमर्स वाले बच्चों आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रदीप गिरी 11th 12th एकेडमी पे आएगा, तो भाई जाके देखो फर्स्ट यूटी का फाइनल का खत्म होने जा रहा है, इतना सिलेबस हमने आगे फ्रेश कंटेंट स्टार्ट कर दिए। इसके बाद फर्स्ट यूटी आपका होगा और फर्स्ट यूटी में 2 से 3 चैप्टर आएंगे, और 2 से 3 चैप्टर आप सभी को बताना चाहूंगा कॉलेज वाइज 11th में हर जगह चैप्टर अलग 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 होता है, कहीं दो वो दिखेगा अरे यार फर्स्ट और सेकंड आ रहा है, कोई बोलेगा अरे मेरा तो थर्ड है और फोर्थ आ रहा है, कोई बोलेगा मेरा फिफ्थ और सिक्स आ रहा है, ऐसा होगा कहीं से, ऐसा कॉलेज में हर जगह होगा आपको दिखाई देगा। ओके फर्स्ट यूटी, देन उसके बाद गाइस जो फर्स्ट आपका फर्स्ट टर्म होगा जो दिवाली का टाइम होता है फर्स्ट टर्म होगा, उसके अंदर आप सभी को बताया कि जो स्टार्टिंग से लेके हाफ टर्म तक पूरे चैप्टर आते हैं, ये सही है, बट असली जो लास्ट में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो फर्स्ट टर्म में तो जहाँ मतलब जुलाई से लेके जितना मतलब आपका अगर टोटल 14 चैप्टर तो 7 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, ऐसे करके फर्स्ट टर्म तक आएगा। अब इसके बाद गाइस असली टेंशन स्टार्ट होगा, असली टेंशन स्टार्ट होने वाला है सेकेंड यूटी से। सेकेंड यूटी में भी 2-3 ही आएगा, मतलब जो टीचर ने उस समय 2-3 दिवाली के बाद पढ़ाया वही आएगा, बट जो फाइनल एग्जाम अपना होगा ना फाइनल एग्जाम, इसमें ही अपना टेंशन बढ़ने वाला है, फाइनल एग्जाम में टेंशन बढ़ने वाला है, क्योंकि फाइनल एग्जाम के अंदर गाइस कॉलेज वाइज चीजें चेंज होती, बहुत सारे कॉलेजेस में फाइनल एग्जाम में पूरे के पूरे जो स्टार्टिंग से मतलब जो हम जुलाई से भी पढ़ेंगे मतलब पूरा का पूरा सिलेबस फाइनल एग्जाम में आता है, बहुत सारे जगह फाइनल एग्जाम में जो हमारा हमारा मार्च में होगा, बहुत सारे जगह ये फाइनल एग्जाम में बस उतना ही देते हैं जो दिवाली के बाद होता है, बट ज़्यादातर जगह ये बोला जाता है बोर्ड रूल के हिसाब से ये होता है कि आप पूरा दो तो बच्चों को वही हैबिट हो जाए 12th वाली, ओके। बट बहुत सारे जगह बहुत सारे कॉलेजेस में हाफ ही देते हैं, तो आप ये आपको पता लगा लेना है कि आपके कॉलेज में कैसा है, पूरा साल भर का एक साथ लास्ट में आने वाला है कि आधा ही आने वाला है, पर ज़्यादातर जगह तो पूरा ही आता है, बट आपके इधर आप जहाँ एडमिशन ले रहे हो वहाँ कैसा हो रहा है, लास्ट में पूरा आ रहा है कि बस मतलब कि लास्ट वाला आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझा, और यही चीज़ साइंस कॉमर्स और आर्ट्स के लिए सभी जगह ऐसा ही होगा, और हर यूटी में बता रहा हूँ तो 2-2, 3-3 चैप्टर आएगा, 2-2, 3-3 चैप्टर, और फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आधा आएगा, आधा मतलब इस सेमेस्टर के अंदर बोला जाए तो आधे से थोड़ा कम आएगा, बट नेक्स्ट वाले में बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए इसकी तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है, बहुत जी जान से करनी है, और अगर आप बोलोगे तो हर सब्जेक्ट का मैं वेटेज भी लाऊंगा जो आपको बताऊंगा समझाऊंगा, जिससे चीज़ें और अच्छे से समझना आपका आसान हो जाएगा। तो भाई अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।